हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम गोटा पत्ती हैंड एम्ब्रॉयडरी वाला हैंड पर्स बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पर हमने देखिए एक छोटा सा वेलवेट का कपड़ा लिया है। आप चाहो तो साटन का या फिर नॉर्मल फैब्रिक भी ले सकते हो, लेकिन वेलवेट का ज़्यादा अच्छा लगता है। और हमने ये देखिए समोसे वाली लेस ले रखी है, और ये सबसे पतली जो गोटे की लेस आती है वो वाली हमने ली है। आप चाहो तो इसके साथ और भी कोई ले सकते हो वर्क करने के लिए। और देखिए ये वाली जो पॉलीथीन आती है, बैग आता है कैरी बैग, वो हमने लिया है अस्तर डालने के लिए। और लाइनिंग का फैब्रिक अलग से लिया है, और प्रेस्टिंग वाला बुकरम लिया है। देखिए पर्स से कुछ इस तरीके से रहेगा, हैंड वाला पर्स जो होता है इसका शेप इस तरीके से रहेगा। तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। मेजरमेंट देख लीजिए, चौड़ाई रहेगी 9.5 इंच की, और लंबाई रखेंगे हम यहाँ पर 11.5 इंच की। तो इसे हम कट कर लेते हैं इस हिसाब से। इसके ऊपर हम गोटा पत्ती का वर्क करेंगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। अगर आप राजपूती सूट के साथ भी इसे रखोगे पर्स को तो अच्छा लगेगा, और नॉर्मल ड्रेस के साथ भी ये बहुत सुंदर लगता है और बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, अब देखिए इसी नाप का हमें अस्तर और ये वाला जो बैग है इसका कपड़ा और प्रेसिंग पेपर सभी कट कर लेने एक ही नाप के। ठीक है, देखिए पेस्टिंग वाली जो बुकरम है इसे हमने आयरन की हेल्प से वेलवेट के साथ अटैच कर लिया है। प्रेस करोगे तो ये इसके साथ चिपक जाएगा। अगर आपके पास ये वाला बुकरम नहीं है तो आप नॉर्मल बुकरम भी ले सकते हो, या फिर बिना बुकरम के भी बना सकते हो। अब देखिए 4 इंच पर रखेंगे और कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर देंगे 4 इंच पर। ठीक है, और फिर ऊपर वाले कपड़े को इस तरीके से इसके ऊपर की ओर फोल्ड कर देंगे। जैसे पर्स का डिज़ाइन रहता है ठीक उसी तरीके से हमें इसे फोल्ड कर देना है। उसके बाद देखिए ऊपर वाला जो फैब्रिक है इसका कोना इस तरीके से मोड़ना है हमें, क्योंकि यहाँ पर हम इसे शेप देने वाले हैं, इसे ही चौकोर नहीं रखेंगे इसीलिए। और इस तरफ वाला कोना भी इस तरीके से मोड़िए और यहाँ पर एक लाइन बना दीजिए चौक की हेल्प से। ठीक है, आप कपड़े को सीधा कीजिए और ये जो दोनों हमने निशान लगाए दोनों कोनों को कट कर दीजिए, दोनों को एक साथ ही कट कर दीजिए ताकि एक ही नाप के कटिंग हो। तो आप कपड़े को इस तरीके से डबल कर लीजिए और फिर कटिंग कर लीजिए। यहाँ पर आप चाहो तो गोल शेप भी दे सकते हो, अपने हिसाब से रख सकते हो जैसे आपको पसंद आए। क्योंकि देखिए फोल्ड होने के बाद ये कुछ इस तरीके से लगेगी। ठीक है, अब देखिए इसके ऊपर हमने गोटे की डिज़ाइन बनानी है। तो मैंने देखिए 1/2 इंच का मार्जिंग रखते हुए चारों तरफ एक लाइन बनाई है। ये वाली जो सबसे पतले गोटे की लेस है वो हम यहाँ पर लगाने वाले हैं, और इसके अंदर की तरफ देखिए 1/2 इंच का फिर से मार्जिंग रखते हुए जगह छोड़ते हुए मैंने एक लाइन और बनाई। यहाँ पर हम गोटे की 2 लाइन लगाने वाले हैं। इसे आप चाहो तो हाथ से भी लगा सकते हो सुई धागे की हेल्प से, या फिर चाहो तो मशीन से भी लगा सकते हो। जब आप मशीन पर इसे लगाओ मशीन से, तो आपको क्या करना है, मशीन की जो स्टिच है वो बड़ी कर देनी है। बारीक स्टिच से लगाओगे तो ये लगने में दिक्कत आएगी और फिनिशिंग भी अच्छी नहीं आएगी। तो आपको क्या करना है, मशीन की जो स्टिच है वो बड़ी कर लेनी है। और जिस तरीके से हमने लाइन बनाई है ठीक वैसे ही लगा देनी। पहले आपको जो भी आपको डिज़ाइन बनानी है आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो और ऐसे भी बना सकते हो। पहले उसे चौक की हेल्प से हमें ड्रॉ कर लेना है ताकि हमें लगाने में कोई दिक्कत ना आए और इधर उधर भी ना हो, फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी वरना। तो पहले आप लाइन ज़रूर बना लीजिएगा, उसके बाद लगा लीजिए। देखिए हमने एक लाइन तो पूरी लगा ली है, अब हम इसके अंदर की तरफ भी मैंने एक लाइन और बना रखी है। तो यहाँ पर भी हम यही लेस लगा देते हैं। मैंने इस लेस के ऊपर भी 2 सिलाई लगाई है। आप चाहो तो सिंगल सिलाई लगा सकते हो या फिर ग्लू की हेल्प से चिपका भी सकते हो, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे और अच्छा लगे आप वैसे कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए जैसे इसका शेप रहेगा उस हिसाब से इसे वापस से फोल्ड करना है, और यहाँ पर एक लाइन हमें और बनानी है, ड्रॉ करनी है इस तरीके से, चौक से निशान लगा लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो लाइन है इसे सीधा कर दीजिए अच्छे से ताकि आपको चौक का निशान अच्छे से नज़र आए। अब ऊपर की तरफ से जहाँ से ये फोल्ड होता है वहाँ से यहाँ पर लाइन बना दीजिए। देखिए यहाँ से फोल्ड होगा तो यहाँ पर लाइन बनानी है। मैंने थोड़ी ऊपर बना दी थी गलती से, ये वापस से सही कर रही हूँ मैं। ठीक है, ये देखिए वापस से देख लीजिएगा कि लाइन जो हमारी सही से बनी है या नहीं बनी है, वरना जो डिजाइन है उसका लुक बिगड़ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक सेंटर मार्क निकालिए। ठीक
ठीक है। अब देखिए इस कोने से यहाँ सेंटर मार्क तक एक तिरछी लाइन बना दीजिए और इस तरफ भी इसी तरीके से करना है। अब यहाँ पर भी थोड़ी सी जगह रखते हुए जैसे हमने साइड में रखी थी उतनी जगह यहाँ पर रखिए और दूसरी तरफ भी एक लाइन और बना दीजिए। इसी तरीके से हमने दूसरी वाला जो बॉक्स है इस साइड का यहाँ पर भी लाइन बनानी है। सेंटर मार्क मिलाते हुए कोने का सेंटर यहाँ पर ले आइए, ठीक है। ये गलत हो गई लाइन, इस तरीके से नहीं करना है। मैंने बाहर की तरफ बना दी, ये लाइन अंदर की तरफ बनानी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्रिस क्रॉस करते हुए लाइन नहीं बनेगी, ये कुछ इस तरीके से डिज़ाइन बनेगी, इस तरफ भी और दूसरी तरफ भी, यहाँ पर भी इस तरीके से ही बनेगी। अब हम यहाँ पर भी गोटे की जो लेस है वो लगा देते हैं। शुरुआत में जब आप इसे लगाओ तो फोल्ड करके लगाना, वरना इसके जो धागे वो निकल जाएंगे और ये पूरी हट जाएगी, निकल जाएगी पूरी, ठीक है। यहाँ तक हम लाएंगे जो हमने सेंटर मार्क बनाया था वहाँ तक, और यहाँ से इस लेस को मोड़ लेंगे। नीडल को अंदर की तरफ डालिए और पूरा पर्स घुमा लीजिए, लेस को भी घुमाते हुए दूसरी तरफ ले आइए और फिर यहाँ पर हल्का सा छोटा सा कोना बनाते हुए इस तरीके से लगा लीजिए। ठीक है, एक लाइन लग जाए उसके बाद दूसरी लाइन जो हमने बना रखी है वैसे ही इसके ऊपर भी आप गोटे की लेस अच्छे से लगा दीजिए। दूसरी तरफ भी इसी तरीके से लगाना है जैसे हमने डिजाइन बना रखी है, ठीक वैसे ही। बहुत ही सुंदर और कम टाइम में ये पर्स रेडी होके तैयार होने वाला है। आप इसे घर पर भी बहुत ही आसानी से बना सकते हो, आप जरूर ट्राई कीजिएगा एक बार बनाना और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पर्स कैसा लग रहा है ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। देखिए हमने दोनों तरफ जैसे हमने डिजाइन बनाती है वैसे हमने लगा लिया है गोटा। इसके ऊपर आप चाहो तो फ्लावर्स भी लगा सकते हो और जो गोटे की लीव्स आती है पत्तियाँ वो भी बना के लगा सकते हो, अच्छी लगेगी, ठीक है। अब देखिए हमने अस्तर का फैब्रिक और ये जो बैग है इसका भी फैब्रिक कट कर लिया है, इसको हमें इसके साथ अटैच कर देना। तो यहाँ पर दो तीन सिलाई लगा के अटैच कर दीजिए ताकि सिलाई लगाने वक्त इधर उधर ना सरके। अब देखिए ये वाली जो लेस है हमें कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगानी है, सिर्फ ये जो लेस के समोसे वही हमें बाहर की तरफ नजर आएंगे, इस तरीके से लगानी है। तो हम यहाँ पर इसे उल्टी रखेंगे किनारे पर और यहाँ पर अटैच कर देंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब इसे हम इसे भी मशीन की हेल्प से ही लगाएंगे। तो जितना कपड़ा हमारा मार्जिंग में जाएगा उतने पर पहले निशान लगा लीजिए और उसी जगह पर हमें ये लेस लगानी है जहाँ पर हम मार्जिंग की सिलाई लगाएंगे, यानी कि जितना कपड़ा हम सिलाई में लेंगे ना वो निशान लगा लेना और वहाँ पर हमें ये लेस लगानी है, ताकि जब हम और सिलाई लगाएंगे अस्तर को अटैच करेंगे तो ये समोसे जो है बाहर की तरफ अच्छे से दिखाई दे, तो इस हिसाब से हमें लगानी है। ठीक है, लेस को भी फोल्ड कर दीजिएगा ताकि जो धागे है वो बाहर की तरफ ना आए। हमने अस्तर को और जो बैग था उसे भी साथ में कर लिया था। आप देखिए ऊपर रखेंगे इसके ऊपर उल्टा इस तरीके से, यहां से लगाकर यहां तक सिलाई लगा देंगे और फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें कट कर लेना है अस्तर का। ठीक है, अब इसे हम पलट कर सीधा करेंगे। कोने अच्छे से बाहर निकाल लीजिए वरना इसका लुक अच्छा नहीं आएगा, ऐसा लगेगा ही नहीं। हमने यहाँ पर कोने बनाए, गोल शेप दे दिया ऐसा लगेगा। ठीक है, अच्छे से निकालने के बाद आप चाहो तो उल्टा करके इसे प्रेस भी कर सकते हो और फिर देखिए नीचे की तरफ जो हमने खुली रखी थी जगह वहाँ पर दोनों साइड का कपड़ा हमें अंदर की तरफ डालना है और सिलाई लगा देनी है ताकि कपड़े के धागे वगैरह बाहर ना आए और ये अच्छे से पैक हो जाए। और इसके चारों तरफ भी आप सिलाई पूरी कवर कर दीजिएगा, एक सिलाई दबाव वाली लगा दीजिएगा। जितना कपड़ा मार्जिंग में ऊपर की तरफ लिया था उतना ही यहाँ पर ही लेना है, ज़्यादा कम नहीं रहना चाहिए। आप चाहो तो यहाँ पर पूरी सिलाई लगा के थोड़ी सी जगह भी रख सकते हो इसे,
उल्टा करने के लिए, पलटने के लिए, और चाहो तो इसे पूरा खुला करके भी कर सकते हो, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, हमने पूरी की सिलाई से इसे अच्छे से कवर कर लिया है। अब हमें इस तरीके से इसे फोल्ड करना होगा। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा लुक अच्छा नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने साइड में यहाँ पर लेस एक ही साइड में लगाई थी, तो यहाँ पर भी मैं लेस लगा देती हूँ। थोड़ा लुक मुझे अच्छा नहीं लगा, इसीलिए आप चाहो तो पहले ही पूरी साइड लगा सकते हो या फिर इतनी ही लगा के छोड़ सकते हो। तो मैं यहाँ पर ये लेस अटैच कर देती हूँ वापस से, क्योंकि जब हम इसे फोल्ड कर रहे हैं तो ये लेस कम नजर आ रही है दूसरी तरफ। शेप आप अच्छे से रखिएगा, उल्टी सीधी ना लगाएं, जैसे पहले लगा रखी ठीक वैसे ही लगाइएगा इसे भी। ठीक है, ये हमने चारों तरफ इसके लगा दिए। अब देखिए यहाँ पर हमें बटन भी लगाना होगा इसे बंद करने के लिए, तो ये वाला हम चिपकने वाला जो बटन आता है वो लेंगे। और पहले यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे कहाँ पर हमें लगाना है, उसके बाद इसमें छोटा सा होल बनाना होगा। सेंटर मार्क निकाल लीजिए पहले दोनों तरफ, एक तरफ अंदर की तरफ और एक तरफ बाहर की तरफ। और यहाँ पर छोटा सा होल कर लीजिए, देखिए ये वाला इस तरफ लगेगा और ये दूसरा वाला ऊपर की तरफ वहां पर। ठीक है, हमने दोनों को अच्छे से अटैच कर लिया है। ये देखिए बंद होगा तो कुछ इस तरीके से नजर आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेनी है ताकि पर्स पूरा रेडी हो जाए। और यहाँ पर हम ये देखिए ये लगाने वाले हैं ब्रोच, ताकि जो बटन है वो भी अच्छे से नजर ना आए और ये इसका लुक बहुत ही अच्छा हो जाएगा। फाइनल लुक मैं आपको दिखा देती हूँ, इसे आप फेविकॉल या ग्लू की हेल्प से चिपका सकते हो। अच्छे से ग्लू लगा दीजिए, कपड़े पर ये बहुत ही आसानी से चिपक जाता है। और यहाँ पर इसे सीधा रखते हुए प्रेस कर दीजिए हल्का सा, थोड़ी देर के लिए सूखने दीजिए। तो इस तरीके से हमारा जो पर्स है पूरा गोटापत्ती हैंड एम्ब्रॉयडरी वाला बनकर रेडी है। इसके ऊपर आप चाहो तो और भी डिज़ाइन कर सकते हो अपने हिसाब से, इसमें काफ़ी सारा सामान आप कैरी कर सकते हो अपने। देखिए इसमें आप फ़ोन डाल सकते हो, पैसे भी डाल सकते हो, और भी बहुत सारा सामान इसमें आप अच्छे से डाल सकते हो। काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इसमें और छोटा भी है, हाथ में पकड़ने में भी बहुत ही आसानी रहती है इसमें, और सुंदर भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि आपने इसे घर पर बनाया है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। आप इसे कैजुअली वेयर कर सकते हो, शादी में भी वेयर कर सकते हो, साड़ी के साथ राजपूती सूट के साथ भी अच्छा लगेगा। और चाहो तो इसमें एक स्लिंग डोरी भी लगा सकते हो, गोटे की बना के गोटे की अच्छे से डिजाइन कर सकते हो फिर लगा सकते हो, काफी अच्छी लगेगी। ठीक है, ये हमारा वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, ये पर्स कैसा लगा, ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये वाला पर्स बनाना। बीच में आप चाहो तो एक पार्ट और बना सकते हो ताकि आप सामान अलग अलग भी रख सको, तो बीच में आप अलग से कपड़ा लगा के इसका पार्टीशन भी कर सकते हो।